अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज बात होने वाली है बैंक अल हबीब इस्लामिक अपनी कार ऑटो फाइनेंस के बारे में। इस वीडियो को बनाने का मकसद सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कार फाइनेंसिंग के अंदर इस्लामिक शरा शामिल है, यानी सूद से बिल्कुल पाक है। ये मुदारबा की बेस पे होती है, जिसके अंदर गाड़ी और के मालिक आप और बैंक दोनों होते हैं, और जैसे जैसे आप एक साथ पे करते जाते हैं, बैंक जो ओनरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है, अनटिल के तमाम एक साथ पे होने के बाद तमाम ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और जब गाड़ी के मालिक आप और बैंक दोनों होते हैं, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे होते हैं, तो एज आ रेंट के तौर पर, क्योंकि गाड़ी आपकी टोटल नहीं होती, तो हाफ उसका जो रेंट आप पे करते हैं वो रेंटल पेमेंट की सूरत में आप लोग जो बैंक को देते रहते हैं, और आपकी एक साथ जो है वो उसी तरह पे होती रहती हैं। तो बैंक अल हबीब इस्लामी आप लोग 30 लाख तक को 30 लाख तक का आपको लोन फराहम करता है 5 साल की आसान एक साथ के अंदर। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको बआसानी समझा सकता हूं कि आपको कितना लोन मिल सकता है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और बैंक आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑफर कर रहा है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस्लामिक अपनी कार फाइनेंस, देर इज़ नथिंग लाइक अ कार फॉर आवर जोन। तो अगर हम लोग इसके एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स की बात करें तो शरी कंप्लायंस के एन मुताबिक है, फाइनेंसिंग अवेलेबल है लोकली मैन्युफैक्चरर्स की और यूज्ड व्हीकल्स की। इसके अंदर जो वो याद रखिएगा कि जो अच्छी गाड़ियाँ यानी कि बेस्ट कार्स वो नहीं आती हैं, लोकली असम्बल्ड कार जितनी भी होंगी वो आ जाएंगी, इंटरनेशनली जो डिलीवर्स कार होती हैं वो नहीं इसमें इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद फाइनेंसिंग जो है वो आपको 5 साल के लिए मिलेगी अगर आपकी गाड़ी 1000 cc से ऊपर की है। अगर आपकी गाड़ी 1000 cc से अबव की होगी तो आपको 3 साल के लिए मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी 1000 cc या उससे नीचे की है तो 5 साल के लिए भी आपको जो वो एक साथ मिलेंगी। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो बहुत ईजी होंगी, कोई भी इंसान पे कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है, हैज़ल फ्री प्रोसेसिंग है इसका, और लो और जो उसका रेंटल पेमेंट होगी वो इंतहाई लो होगी। आपके कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा जब तक गाड़ी आपके वो हैंड ओवर नहीं की जाती है। जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी वो आपके नाम पर होगी। ईजी सेटलमेंट प्लान होगा, कोई इसमें ज़्यादा हैज़ल्स नहीं होगी। नो प्री पेमेंट पेनल्टी, आपको वक्त से पहले अगर आप पेमेंट नहीं अदा करते हैं तो उसकी सूरत में कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। पैरेंटल पेमेंट्स अलाउड विद नो चार्जेस, अगर आप लोग एक साथ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपको कोई चार्जेस भी देने नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा आपको तकाफुल की कवरेज भी दी जाएगी। उसके अलावा आपको फ्री पर्सनल एंड एक्सीडेंटल तकाफुल इंश्योरेंस भी दी जाएगी 5 लाख की। उसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी फ्री मिलेगी, ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग एंड एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन अहल है, हु कैन अप्लाई फॉर अल हबीब बैंक। तो पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, अकाउंट होल्डर होना चाहिए किसी भी बैंक का, सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इंडिविजुअल्स हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम, रेमिटेंस, रेंटल, पेंशनर और इन्वेस्टमेंट मे आल्सो अप्लाई इफ़ दे मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट एट बैंक अल हबीब। जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके सोर्स ऑफ इनकम में रेमिटेंस भी हो सकता है, रेंटल पेमेंट यानी कि कोई रेंट का काम करते हैं, कोई घर है उनके वो रेंट पे चढ़ाए हुए हैं, कोई पेंशनर्स हैं पेंशन वगैरह लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो वो भी इंक्लूडेड होंगी इंडिविजुअल्स के लिए। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, आपको नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना होगा या फिर आप लोग जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये मैं बाद में करता हूँ। फिलहाल आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो हैं जी 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स, कापी ऑफ कंप्यूटराइज्ड स्मार्ट नेशनल आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ पेमेंट, रेगुलर परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉय एट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, प्रूफ ऑफ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय के लिए, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, सैलरी सर्टिफिकेट भी चलेगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिएगी 6 मंथ की अगर वो मांगेंगे तो, और आपका जो क्रेडिट है वो भी अच्छा खासा नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि बस मेरी 5, 10, 20 हज़ार वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो उसके बाद आते हैं जी सेल्फ एम्प्लॉयड और जो बिजनेसमैन है वो, उनकी भी 2 रिसेंट की कॉपीज, कापी ऑफ कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ बिजनेस और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और कितना आपको लोन मिल सकता है जी गाइस, आपको तकरीबन 30 लाख 30 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। व्हाट इज़ द टर्नओवर ऑफ कार फाइनेंसिंग, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ मजीद क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग खुद के तौर पे इसको चेक कर सकते हैं। अब जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे
तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फुल नेम आप लोगों ने डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, रिमार्क्स को छोड़ दीजिएगा सिटी, और प्रोडक्ट आप लोगों ने सबमिट कर देनी है। तो बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद रब्ता कर लेगा, या फिर आप लोग इनकी नियरेस्ट ब्रांच विजिट करके अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। मजीद इसी तरह की अपडेट के लिए बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।